देश में कोरोना वायरस का कहर हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बीते दिन भी भारत में 1,61,000 के करीब नए केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 12 लाख के पार हो गई थी। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर हो उत्तर प्रदेश, हर जगह कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ पाबंदियां भी लग रही हैं। कई राज्य नाइट कर्फ्यू वीकेंड लॉकडाउन में जा चुके हैं और कुछ जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन लगने की आशंका है। देश के अलग अलग इलाकों में अभी क्या स्थिति है देखिए। 7 अप्रैल को 1,15,736 मरीज मिले, 8 अप्रैल को 1,26,789 मरीज मिले, 9 अप्रैल को 1,31,968 मरीज मिले, 10 अप्रैल को 1,45,384 मरीज मिले, 11 अप्रैल को 1,52,789 मरीज मिले, 12 अप्रैल को 1,68,912 मरीज मिले, 13 अप्रैल को 1,61,736 मरीज मिले। वायरस की बढ़ती रफ्तार ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में किस तरह से कोरोना ने अपना प्रकोप मचाया हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में इस वक्त जितने भी कोरोना के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। बीते दिनों भी यहां पर 51,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। ऐसे में इस राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की तलवार लटकी हुई है और 14 अप्रैल से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है। नहीं, डर है। स्टार्टिंग में वहां से चलते समय तो जरूर था कि हाँ डर है मन में, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में माँ गंगे की असीम कृपा है कि जो डर से आदमी मुक्त हुआ पड़ा है, डर नहीं लग रहा है। डर तो घर चलते समय था कि कोविड में जा रहे हैं, कहीं कुछ ना हो, लेकिन यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हालात मुंबई में हैं, वैसे ही दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं और लोग सरकार से सीबीएसई परीक्षा भी ना कराने की बात कर रहे हैं। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल परीक्षाओं को टालने की मांग की। सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं, 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे, 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई है। रोजाना आने वाले मामलों का आंकड़ा भी 5,000 को पार कर गया है। यही वजह है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी में अब हर दिन आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 18,000 को पार कर गया है, जो पिछली लहर से भी बड़ा आंकड़ा है। यूपी में पहले ही 20 के करीब जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जहां 500 से अधिक एक्टिव केसेस मिलेंगे, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में है, हम बाहर से भी ले रहे हैं, अगल बगल के जनपद से भी हमने मंगाया है, मेडिकल कॉलेज में भी वेंटिलेटर की संख्या बढ़ चुकी है और हमारा तो एक हॉस्पिटल है बलरामपुर, जो आपकी पहली बार उसको हमने कन्वर्ट किया है, 300 बेड हम उसमें हमको उसको पूरा करना है, 225 बेड उसमें ऑलरेडी हमारा चल भी रहा है, उसमें 25 वेंटिलेटर भी आ गए हैं और बाकी सुविधा भी है और उसको 40 वेंटिलेटर तक हम उसको पूरा करने जा रहे हैं, तो उसमें पेशेंट भी आ गए हैं। तो एक अस्पताल जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, बाकी मेडिकल कॉलेज के जितने भी विभाग हैं प्लस आपके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो सब इसमें जुड़ गए हैं। सबको माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी से बात कई बार राउंड हो चुकी है और सब अपने बेड बढ़ा के तैयारी कर ली है। देश में जिस तरह से कोरोना के हालात हैं, ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार में करवाया जा रहा महाकुंभ और वहां से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आने वाले समय में कोरोना की संख्या को और विकराल रूप दे सकती है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार इतने बड़े धार्मिक आयोजन पर कुछ भी बोलने से साफ बच रही है। वहीं कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई डर नहीं सता रहा है। अगर पूरी दुनिया में कोरोना की बात की जाए तो हम अब बस अमेरिका से पीछे हैं और ब्राजील को पछाड़कर उससे आगे आ चुके हैं। भले ही हमारे यहाँ कोरोना मरीजों के आंकड़े अमेरिका से कम हो, लेकिन मौजूदा हालात में मौतों का आंकड़ा अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। हालात नहीं सुधरने पर आने वाले समय और ज्यादा भयावह और खतरनाक होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और आइए अब खुद सीधे लिए चलते हैं सीएम योगी की मीटिंग में, जहां पर वो कोरोना को लेकर लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं।